उत्तराखंड के जसपुर में बाइक चोर को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जसपुर में चोरी की घटनाओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में कोतवाल जसपुर आशुतोष सिंह ने कहा कि नवंबर और दिसंबर के महीने में वाहन चोरी की कई घटनाएं हुई थी, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया था, जिसमें चेकिंग के दौरान जसपुर, मंडुआ, खेड़ा और आसपास के इलाकों में पुलिस ने एक युवक कौशल निवासी कासमपुर को बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ पकड़ा है और उसकी निशानदेही पर बिजली के घर के पास बने खंडर से चोरी की अन्य 3 बाइकों को भी बरामद किया है। ये गाड़ियां कहां से चोरी की गई है उसकी भी जांच की जा रही है। जांच होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जमशेद हमारे कांस्टेबल अनुज वर्मा को लगाया हुआ था, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया तो एक वाहन चोर कौशल तलुक मनोज को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से हमारे क्षेत्र में चोरी गई एक बाइक बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर 3 अन्य बाइक जो बिजली घर के सामने खंडर में उसने छुपा के रखी थी, उन 3 बाइकों को भी बरामद किया गया। इस प्रकार 4 बाइकें हमारी टीम के द्वारा बरामद की गई और जो 4 बाइकों में से 2 बाइकें जो हमारे क्षेत्र से संबंधित नहीं है, उनके इंजन नंबर चेसिस नंबर घिसे हुए हैं, पर फिर भी हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वो कहाँ से चोरी गई होंगी, फिर उसके अनुसार हमें कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त जो हमने अरेस्ट किया है कौशल सनोफ मनोज, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आज इसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। आपराधिक इतिहास के बारे में सीमावर्ती जनपदों से और अपने DCRB से पता किया जा रहा है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है, पता लगा होगा तो विवेचना में सम्मिलित किया जाए। सर इसमें किसी अब तक की जो हमें जानकारी हुई है ये अकेला ही चोरी कर रहा था, अगर इसके साथ कोई और होगा तो और हम उसमें विवेचना में तथ्य लाएंगे। इससे पहले सर पता चोरी कर रहे हैं, चोरी करने के आदि हैं और नशे से अभी इस पर्टिकुलर व्यक्ति का संबंध स्थापित नहीं हो पाया।